यार आज मेरी एनिवर्सरी है तो इतने ब्लॉग तो बनते हैं ना। क्या हुआ, अच्छा नहीं है? हाँ मुझे तो लगता है तुम्हारे ऑर्डर पे ही वो रोज तोड़ा है और भूखे बनाया है। माई चैनल तो सच में राज इतना मुझे आज परेशान कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं तुम कितने ब्लॉग बनाओगी। सुबह मैंने एक ब्लॉग बनाया, फिर अभी मैंने खजुराहो टेम्पल घूमने गई थी वहाँ का ब्लॉग मैंने अभी एंड किया। एंड यार ये मेरा थर्ड ब्लॉग है आज का। यार आज मेरी एनिवर्सरी है तो इतने ब्लॉग तो बनते हैं ना, एंड मैं एनिवर्सरी का सेपरेट ब्लॉग बनाना चाहती थी। वैसे मैं पूरी तैयारी करके आई थी कि मैं वहाँ भी राज को कुछ सरप्राइज दूंगी, बट ये बहुत छोटी सी जगह है एंड यहाँ पे वैसा कुछ हो नहीं पाया जैसा मैं चाहती थी। तो चलो आगे आगे देखो होता है क्या, हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके पहले मैं दिखाती हूँ मैंने आज क्या पहना है आपको। फ्रेंड्स मैंने यहाँ भी राज के लिए एक छोटू सा सरप्राइज प्लान किया है, तो वो अभी नीचे आ गया है, मुझे कॉल आया था एंड अभी मैं वो जा रही हूँ रिसीव करने। मैंने राज को कुछ नहीं बताया है, मैंने उनको बस बोला है कि मैंने कोशिश की थी। मतलब अभी भी बहुत अच्छा केक एंड जो भी है बहुत अच्छा नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ ना होने से तो अच्छा है। तो चलो उसको रिसीव करती हूँ एंड फिर उसके बाद देखते हैं आज राज का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बस हम कोल्ड ड्रिंक पार्टी करके ही आज पार्टी ख़त्म करेंगे। लेट्स सी। ओके आई एम सो एक्साइटेड। तो ये आ गया है मेरा पार्सल, तो इसमें है एक बहुत छोटा सा केक है, क्योंकि बड़ा केक मिला नहीं एंड यहाँ बहुत छोटी सी शॉप थी तो वहाँ पे एक छोटा सा केक अवेलेबल था तो मैंने वही ले लिया। एंड साथ में मैंने बुके ऑर्डर किया है, बट अभी देखते हैं बुके वगैरह कैसा है। केक की क्वालिटी तो मैंने देखी थी ओके ओके टाइप की थी, बट बुके अभी मैंने नहीं देखा है। दिस इज सरप्राइज फॉर यू। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? दिस इज हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अच्छा तो बहुत है डार्लिंग, लेकिन तुमने जो है इस रेगिस्तान में भी ढूंढ लिया। आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू टू। इट्स सो ब्यूटीफुल। पता है इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है? बहुत मेहनत हुई होगी, मुझे भी अंदाजा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ सबसे मैंने यही पूछा, भैया यहाँ पे कोई केक शॉप है? भैया यहाँ पे कोई केक शॉप है? बोले नहीं है नहीं है नहीं है। फाइनली एक छोटी सी शॉप मुझे मिली। कोई बात नहीं, केक तो केक होता है। छोटा हो या बड़ा से क्या फर्क पड़ता है। हैप्पी एनिवर्सरी तो हो गई हमारी। और ये रोज़ी को ऐसा लग रहा है गार्डन से तोड़ के उसने बुके बना दिया। मुझे तो लगता है तुम्हारे ऑर्डर पे ही वो रोज तोड़ा है और बुके बनाया है। कि भैया नहीं नहीं एकदम एकदम वाली स्मेल नहीं नहीं, नहीं एकदम नेचुरल स्मेल है और बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे से तो 6 रोज के पैसे लिए थे उसने, 8 रोज लगा दिए। कोई बात।
पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत टाइम है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट के बाहर डिनर करने, क्योंकि यार हम लोग जहाँ डिनर करते, मतलब जो भी फुल डे मील होता है हम लोग जहाँ लेते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फूड है। पूरा मारवाड़ी रेस्टोरेंट है एंड वहाँ पे सारे फूड ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि हमने कल का डिनर, आज का लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ किया एंड सब कुछ फूड वॉज वेरी टेस्टी एंड वेरी चीप प्राइस। तो अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना मिंट बुंदेला रिजॉर्ट में स्टे करें एंड फूड यार आप वहीं पे खाएं जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। मैं आपको उसका नाम बताऊंगी आगे है, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है उसका नाम क्या है, बट यार उसका फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये आ गई हमारी बद्री सेठ मारवाड़ी रेस्टोरेंट की स्पेशल थाली। इसमें है ये गार्लिक नान, वेज कोफ्ता, मटर पनीर, साथ में है कढ़ी, मिक्स वेज, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, दाल एंड उसके साथ मिलता है सैलेड, पापड़, अचार, और उसी के साथ ये देते हैं चार जो है तवा चपाती एंड साथ में ये है वेज पुलाव एंड वन डेजर्ट। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का एनिवर्सरी ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी जरूर हिट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।